आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। मेरे साथ हैं इस समय देश के प्रसिद्ध कवि विष्णु सक्सेना साहब। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, आपका विभाग बात में बहुत स्वागत है और पहले भी आप आए। आप जब भी आते हैं तो मुझे लगता है क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। तो सबसे पहले कोई नई पंक्तियां लिखी हो तो आप सुना दीजिए, जिससे मैं भी भावुक हो जाऊँ और देखने वाले भी आनंदित हो जाएं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी दूसरी बार आया हूँ तो अब दूसरी बार में तो लगी नहीं रहेगा मैं आया हूँ, मैं अपने घर में आया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। यकीनन। और हाँ, यकीनन, क्योंकि जब कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो अलग फीलिंग आती है, और घर में जाओ तो लगता ही नहीं कि हम कैसे आए हैं, कैसे जा रहे हैं। यहाँ को बिल्कुल होमली फील कर रहा हूँ। विष्णु जी सुनाए, उसके पहले मैं विष्णु जी को सुनाता हूँ कि एक तुम्हारा होना ही क्या क्या कर जाता है। हाँ, बेजुबान छत दरवाजों को घर कर जाता है। ये डॉक्टर महेश्वर तिवारी जी की कविता है और वो नवगीत के बड़े शहंशाह माने जाते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ थे बदायूं में। तो घर की परिभाषा तो उससे बढ़िया हो नहीं सकती। और डॉक्टर राहत इंदौरी भी कहते हैं कि तुम भी समझ जाओ कि क्या होता है घर, दो चार दिन हमारी तरह सफर में रहो। मैंने भी इसी तरह का लिखा है, मेरे घर जन्मदिन जो तुम्हारा मने, तुमको उपहार मैं सारे त्योहार दूं। क्या बात है। रूप से गीत की डाल दूं भांवरे, रूप से गीत की डाल दूं भांवरे, और इससे बड़ा क्या पुरस्कार दूं। मेरे घर जन्मदिन जो तुम्हारा मने, तो मैंने भी लिखा है। इसके साथ एक डिमांड और डॉक्टर साहब से, आप सभी की तरफ से मैं कर रहा हूँ कि मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। हाँ देखो, घर से आपने खूब अच्छा याद दिलाया। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। अद्भुत। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। इस गीत में एक प्रतीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवि नीरज जी ने कहा कि विष्णु काम ठीक ठीक हो गया है, क्योंकि घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत होती है, वो सब है इसमें। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। अब देखना अगली पंक्ति क्या कहती है। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए।
घर में इन्हीं चीजों की जरूरत होती है, अच्छी अच्छी चीजें आए। अब जमाना बदल गया, कैक्टस लगाए जाते हैं। घर के गमलों में जो नागफनियां लगी, फेंकी है रात रानी सजा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ लब खामोश हो जाते हैं वहाँ इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, मेरे ज्यादातर गीतों में ऑब्जर्वेशन हैं या सिचुएशन से। ऑब्जर्वेशन इसलिए भी कि आप डॉक्टर हैं। तो हाँ वो ये भी हो सकता है, एनाटॉमी पढ़ने वाला बहुत ऑब्जर्व करता है चीजों को। वो यही कारण है, इसलिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ गए हैं मेरी कविताओं में। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक। उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। क्या बात है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक। उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। मकान को घर बनाना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा ताकत लगती है। ताकत लगती है, जहन लगता है, दिल लगता है। और मकान में शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है, आत्मा लगानी पड़ती है। घर में आत्मा होती है, मकान में आत्मा नहीं होती। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जो है, अगर कभी नहीं होते तो हो सकता है बहुत बड़े डॉक्टर होते, बहुत बड़े सर्जन होते, लेकिन हमारे वाले विष्णु सक्सेना नहीं होते, ये सच है। हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि अब तो जो रूप है सबके सामने, उस रूप से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब कॉलेज कैंपस में जाते हैं आप, वहाँ कविताएं सुनाते हैं, तो वहाँ माहौल क्या होता है वहाँ? क्योंकि पहले एक जमाना था कि नीरज जी के समय था, बाद में वो परंपरा टूट गई थी, अब वापस वो परंपरा शुरू हो रही है। हाँ लेकिन अब जो हमारी नई पीढ़ी है वो कविता की तरफ बहुत मुड़ रही है, कविता से विमुख हो गई थी बीच में। कारण था कि जो हमारे पुराने गीतकार पुराने कवि थे बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब जो नए गीतकार आए हैं मेरे बाद बहुत आसान शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आसान शब्द बहुत जल्दी समझ में आते हैं, और जब जल्दी समझ में आते हैं तो कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरते हैं। हम बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए फिर हमको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, और आजकल की जो बच्चे हैं नई उम्र के वो साइंस के बच्चे हैं, इंग्लिश के बच्चे हैं। अगर वो बोलचाल की हिंदी भाषा जो है वो समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अनुग्रह है हिंदी के ऊपर, वरना तो हमारी हिंदी भाषा को कॉन्वेंट कल्चर ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो नहीं जानते बच्चे कि कबीर कौन है, मीरा कौन है, तुलसी कौन है। अगर वो ये लोग नहीं जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे हमारा भारत कैसा था, वो कैसे जानेंगे हमारी कल्चर कैसी थी। तो धीरे धीरे करके जो हमारी इंग्लिश की जो प्रचुरता है हमारे स्कूलों में, आज अगर कोई बच्चा इंग्लिश स्कूल में हिंदी बोल देता है तो उसको फाइन लगा दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ये हालत है इस वक्त, तो बड़ी तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान में हिंदी पराई सी लगने लगी है, और वो भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में, केरल और उधर के क्षेत्र में मानू तो समझ में भी आती है कोई बात। लेकिन हमारे नॉर्थ में जब हिंदी बोलने वाले बच्चों पर फाइन लगाया जाता है, और हिंदी एक कोने में सरकी हुई है जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि बच्चे आगे कैसे सीखेंगे हमारे हिंदुस्तान के। विष्णु सर जो कह रहे हैं ये एक बड़ी पीड़ा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ फिल्मी गीत भी ऐसे आए
जिनमें भरपूर साहित्य रहा, कुछ वहाँ भी लिखने वालों का जो माइंडसेट है बदला है क्या? हाँ बिल्कुल बदला है। फिल्म हमारी हिंदी भाषा को बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायक रही है। फिल्मी गानों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, फिल्मी डायलॉग्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और अगर फिल्मी गाने इस माध्यम से साहित्य गीत या अच्छे प्रतीकों को या अच्छी बातों को फिल्मी गीतों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को सुना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उपकार है। अगर इसी माध्यम से अगर सीख जाए तो भी अच्छा। आपके कुछ फैंस आपसे नाराज भी हैं। जैसे क्यों? आप फिल्मों में क्यों नहीं लिखते? देखिए मैंने लिखे आपने? मैंने लिखे हैं दो गीत और बस बदकिस्मती ये अभी स्क्रीन पर नहीं आए हो। दो गीत रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। एक तो ये जो गीत मैंने अभी आपको सुनाया था थाल पूजा का लेकर चले आइए, और एक रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, और एक अभी एक और नया गीत है रंग महल फिल्म में आने वाला है, वो जिससे जितना प्यार करोगे उतना रहोगे दिल की। वहाँ तो हम सुन लेंगे, यहाँ आप सुना दें तो अच्छा होगा, क्योंकि जितना प्यार करते हैं उतना रोते हैं, उतना खोते हैं, फिर शायद पाते भी हैं। बड़ा उलट बांसी का खेल है ये प्यार। देखिए प्यार सिर्फ लड़के लड़कियों के बीच में नहीं है, हम परिवार में भी वही हालत है। अगर स्वयं से हो जाए पहले तो खुद से हो जाए फिर परिवार तो स्वयं से तो बहुत देर बात होता है। ये तो आपने दर्शन बोल दिया, फिलोसफी बोल दी, गीता बोल दिया आपने, स्वयं से बड़ा मुश्किल होता है। आदमी परिवार में ही पहले प्यार कर ले ये भी बहुत है। आजकल परिवार बिखर रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ परिवार में प्यार नहीं रहा, और बिखराव ही अगर हमारी ज़िंदगी है तो फिर ये सब देश नष्ट हो जाएगा। हमारा घर बिखरेगा, फिर देश बिखरेगा, फिर समाज बिखरेगा, फिर पूरा संसार बिखर जाएगा। इसलिए हमको पहले परिवार को जोड़ना है। तो मेरा गीत उस तरफ इशारा करता है, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, ये बिल्कुल कटु सत्य है, गीता में लिखा हुआ है। आप जीवन में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर जाएगा। इसलिए कृष्ण ने पहले कहा है कि आप मोह बंद करिए, मोह खत्म करिए, पहले मोह से विरक्त हो जाइए, उसके बाद फिर आप मुझ तक पहुँच पाएंगे। अर्जुन को वहीं से तो अलग कर रहे थे वो, कि तू यहाँ से अलग हो जा पहले, क्योंकि सामने जो दिख रहे हैं चचेरे भाई ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर हम कलयुग में हैं। लेकिन मानदंड तो वही हैं, हमको सोचना तो उसी धरातल पे पड़ेगा। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो गया है। इस बार जब विष्णु जी साथ होते हैं तो ब्रेक और समय बहुत छोटे से लगते हैं, कि जल्दी से हम जाएं और वापस आएं और विष्णु जी को सुनते रहें, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद विभागवाद में आपका स्वागत है। देश के वरिष्ठ कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, और ये कहूँ कि प्रेम के कवि, आस्था के कवि, इश्क के कवि, और उस जुनून के कवि जो आदमी को आंखों को नम कर देता है, दिमाग को भी ठंडा कर देता है।
फिल्मी गीत की बात कर रहे थे। अब आपके जब फिल्मी गीतों का सिलसिला शुरू होगा, मुझे लगता है कि आपके भी जो चाहने वाले हैं, जो श्रोता हैं, वो जो साहित्य रसिक हैं, उनकी कुछ सुधा शांत होगी। हाँ, बड़े खुश होते हैं जब उससे पूछते हैं कि आपके कोई गाने फिल्म में आ रहे हैं। नहीं, एक कोई भी कवि हो या कोई भी गीतकार, उसकी अंतिम इच्छा होती है फिल्म में जाना। तो एक अंदर दबी दबी हुई इच्छा मेरी भी है, जिस दिन वो स्क्रीन पर आ जाएगा तब वो इच्छा शांत होगी। लेकिन क्या जाने कितनी फिल्में डिब्बों में बंद होकर रह जाती हैं। लेकिन बस ईश्वर से कामना है, कुछ ना कुछ तो आए जरूर। लेकिन सब सब प्रकृति पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। फिल्मों को टारगेट करकर नहीं लिखा है? कभी नहीं लिखा। अभी मनोज कुमार जी ने जब मेरा एक गाना लिया था, ये थाल पूजा का लेकर चले आइए, तो एक लास्ट, अब हालांकि बीमार रहने लगे हैं वो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ये गीत मेरा एक टीवी में देख करके सिलेक्ट किया। फिर मैंने उनसे पूछा, वो मुझसे रोज मुझे शाम को फ़ोन करते कि विष्णु इसमें ये बारिश आनी चाहिए, इसमें सावन आना चाहिए, झरने आने चाहिए। तो मैं एक दिन झुंझला गया, मैंने कहा सर आप चाहते क्या है, आप मुझे सिचुएशन बता दीजिए, मैं उस हिसाब से लिख दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपना गीत जो का त्यों रहने दीजिए, थोड़ी सी तरमीम चाहता हूँ इसमें और मैं आपके गीत को बदलना नहीं चाहता, जो है वो वही रहने दीजिए। मैं गीतकार के गीत को नहीं बदलता, बल्कि गीतकार के हिसाब से अपनी सिचुएशन बदल देता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वो लेके मैं गीत की आत्मा को नहीं बनने देता। तो मैंने अभी तक किसी सिचुएशन पर गीत नहीं देखे, मेरे ऑटोमेटिकली गीत मेरे सिचुएशन पर लिखे हुए हैं और मोहब्बत की सिचुएशन एक जैसी होती है लगभग करीब पार की। वैसे मुझे ऐसा कुछ जहन में है कि नीरज जी ने भी खूब गीत लिखे फिल्मों में, शानदार गीत लिखे, लेकिन यही झुंझलाहट उनके साथ भी आई थी कि वो वापस मुंबई से उन्होंने बुरिया बिस्तर बांसा लिया था अपना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो सिचुएशन पे भी लिखे थे और बहुत अच्छे गीत लिखे, लेकिन उनके साथ जो मैंने सुना है, जो उनके साथ प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जिस फिल्म में गीत लिखा करते थे वो फिल्म तो फ्लॉप हो जाती थी, गाने हिट हो जाते थे, और फिल्मी दुनिया बड़ी ऑर्थोडॉक्स है इस मामले में, अंधविश्वासी है। उनको लगा कि नीरज जी तो बहुत अपशकुन आए हैं, इसलिए अब इनसे गीत नहीं लिखवाएंगे। पुजारियों को ना जाने कितनी तोले, अब केवल अब गाने अर्निंग पैसा तो नहीं पैदा करते, पूरी फिल्म पैदा करती है, तो बोले कि अब इनसे नहीं लिखवाएंगे। तो जब उनका काम कम होने लगा और उनकी टीम के लोग इधर उधर जाने लगे, तो फिर वो छोड़ के आ गए उसको फिल्म दुनिया को, वरना तो उनके गाने तो सारे सुपरहिट हुए, वहाँ से आने का कोई मतलब ही नहीं होता था, और फिल्में फ्लॉप हो जाती, इसलिए चक्कर में लोगों ने उनसे किनारा किया, जैसा मैंने सुना है। नीरज जी दिवंगत हो गए हैं, उनके पीछे ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने सुना वो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये बात गलत भी हो। आपने अभी क्या सोचा है कि हल्के फुल्के गीत लिखेंगे हमारे पास जो है उसी में से कोई चाहे तो इस्तेमाल कर ले? मैं हल्के फुल्के गीत नहीं लिखूंगा, जो मेरे पास है उसमें सेलेक्ट करना, आप उसमें से सेलेक्ट करना हो तो कर लीजिए, वरना मैं इस समय अपनी दुनिया का जिस सीट पर बैठा हूँ मैं बेताज बादशाह हूँ। मैं नहीं कहूँगा ये बात, मैं जिस सीट पर बैठा हूँ उस पर संतुष्ट हूँ मैं। क्योंकि पहले हम थोड़ा पीछे जाएं, हम 70 के दशक के पीछे चले जाएं, 60 और 70 के, तो सामान्य तौर पर पहले गीत ही लिखा जाता था। हाँ, फिर उसकी मौसीकी तैयार की जाती थी, पहले मुर्दा होता था उसके बाद काठी बनाई जाती थी, अब काठी पहले आती है उसके बाद फिर उसके नाप का तो संगीत बन जाता है। आपको बता दिया जाता है कि ये स्पेस है हमारे पास, आप इसमें शब्द गूंथने हैं आपको, तो फिर वो ऐसे ऑफर भी तो आए, फिर वो मैकेनिकल हो जाता है काम, और मैकेनिकल गीत नहीं होते। जो आजकल जो लिख रहे हैं हमारे गीतकार वो मैकेनिकल लिख रहे हैं, उनको एक ट्रैक, ऐसे ऑफर तो आपके पास भी बहुत आते आए थे, लेकिन मेरे पे वो तकनीक आती नहीं मुझ पर, मैं नहीं लिख पाता। इसमें चार शब्द चाहिए? हाँ नहीं होता, इसमें तीन चाहिए, इधर दो चाहिए। अभी मेरे एक गीत को एक हमारे एक एक्टर हैं, उन्होंने कभी 15-20 साल पहले मैं गीत सुना था, तो अभी उन्होंने म्यूजिक में ढाला है उसको और उस पर एक वीडियो फिल्म बनाएंगे, तो एक शब्द की जरूरत पड़ गई थी उसमें। मैंने कहा भाई तू कहीं से काम कर ले, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। बहुत अच्छा गीत था वो, तो अभी जाके फिर उन्होंने अपने आप ही संगीतकार के हिसाब से उसने एक शब्द कम करके उसको ठीक कर लिया। मैंने कहा मैं कोई क्लेम भी नहीं कर रहा तेरे को, तो अपने कर ले कैसे, मैंने काम होगा अपनी शर्तों पर, अपनी शर्त, जब तक जिंदगी ये शर्तों में तो काहे को एन वक्त पे मुसलमान हो। अच्छा, डॉक्टरी करते करते भी कभी कविता सूझ जाती है क्या? हाँ सूझ जाती है। देखिए दोनों पेशे एक जैसे हैं,
डॉक्टरी पेशा भी एक वही है और वही कविता का। डॉक्टरी में बस शरीर का इलाज होता है, कविता में मन का इलाज होता है, आत्मा का इलाज होता है, बस और दोनों में कोई अंतर नहीं है। और कहते भी अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जो पेशेंट को अपनी बातों से ज़्यादा ठीक कर देता है। हाँ, सारा खेल साइकोलॉजी का है। पेशेंट 10 डॉक्टर से दवा लेके आ रहा है, होना वो उसे मेरे पास ही ठीक है तो मुझसे ही ठीक होगा, चाहे भले ही वही दवा मैं दूँ जो पिछले 10 लोग दे रहे हैं। उसकी साइकोलॉजी है कि डॉक्टर विष्णु ठीक करेंगे तो वो मैं ही ठीक करूँगा। तो सारा खेल मन का है, मन ठीक। कभी क्लिनिक में ऐसा होता है कि पेशेंट आया और बोला कि डॉक्टर साहब एक कविता सुना दीजिए? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ मेरे जो फैंस हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, क्लिनिक पर आके बैठ जाएंगे। कई फैंस मतलब मरीज बन के आ जाते हैं? मरीज बन के एक तो एक दो बार आए भी हैं, और लेकिन वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं। फिर उनसे पूछो भाई क्यों आए, बोले कुछ नहीं सर, बस आपको देखने आए थे। मेरे शहर के नहीं, बाहर के लोग आते हैं, आधा घंटे बैठते हैं फिर चले जाते हैं। और अलीगढ़ वाले पेशेंट? अलीगढ़ वाले पेशेंट ही बता रहा हूँ आपको। कभी ऐसा हुआ कि आप सामान्य तौर पे आपके जो गीत हैं वो सीधे सीधे दिल में चले जाते हैं, प्रेम गीत हैं वो, तो किसी लड़की वड़की ने ऑफर कर दिया हो गीत सुनने के बाद? ऐसे तो कई चांस आए, कई मौके आए, लेकिन मैं बहुत पारिवारिक व्यक्ति हूँ। बताऊँ आपको, नीरज जी की एक सीख है जो मेरे दिमाग में हर बार स्ट्राइक करती है। उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, फिर उन्होंने एक बार मुझे वही इंटरव्यू वाली बात बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत आई, और वो तो बड़े फेमस थे इन मामलों में, हर जगह उनके, नीरज जी से बड़ा कोई नहीं। हाँ, उन हर जगह उनके घर थे, भोपाल में भी, इंदौर में भी, सब जगह। तो उन्होंने कहा कि विष्णु ये जितनी लड़कियाँ होती हैं, जितनी आपकी प्रशंसिका हैं, वो आपके जीवन के स्पीड ब्रेकर हैं, जो आपकी गति है वो कम करते हैं, कभी इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर मैं भी इन लोगों के चक्कर में न पड़ा होता तो आज मैंने बहुत काम कर लिया होता जो मुझसे छूट गया। तो वो उनकी सीख, काम सीख दिमाग में बैठी हुई है। तो ऐसा लगता है जब बड़ों ने अनुभव दिया है अपना कोई, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, वरना फिर उनकी बातों का फिर फ़ायदा क्या उनको सुनने से। मुझसे बहुत सारे लोगों ने शराब पीने के लिए बोला, मेरे मंच के लोगों ने, कि विष्णु कैसा कायस्थ तू। हाँ, सामान्य तौर पर कायस्थ लोग शराब पीते हैं माना जाता है, कायस्थों के नाम पे कलंक है, क्यों नहीं पीता शराब, एक तो कायस्थ और फिर कभी। हाँ, फिर कभी। तो बहुत सारे लोगों ने, भले एक सिप ले ले, मतलब मेरे ईमान भर शगुन की, शगुन, हाँ शगुन की दो छींटे डाल ले, मैंने नहीं दिया। और मैं ये नहीं जानता कि कड़वी होती है मीठी होती है, लोग कहते हैं कड़वी होती है तो फिर कड़वी होती होगी, नशा होता है तो नशा होता होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के बुरे हश्र देखे, और मेरी आंखों के सामने मंचों पे उनके बुरे हश्र देखे हैं, पीते पीते के पड़े हैं और कम उम्र में चले गए। शराब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी की भी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सके, मुझे तो ये लगता है। नहीं है, मैंने तो आयुर्वेद पढ़ा है, उसके गुण कम है और गुण ज़्यादा है। तो जो चीज़ मैंने पढ़ी है अपने अध्ययन के दौरान, तो और मैं जानबूझ के फिर ऐसी गलती करूं तो मुझसे बता दो। मैं भी निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे शराब का विरोध करता हूं, और मैं तमाम समाज सेवियों को, तमाम राजनेताओं को, दुनिया के पढ़ता हूं, साहित्यकारों को, मैंने कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला कि वो इसलिए महान थे कि शराब पीते थे, ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं। हाँ, मुझसे तो ये तक कहा लोगों ने कि देखो विष्णु, एक कविता का मंच ही ऐसा है जहाँ लोग शराब पी के अच्छी बातें करते हैं, वरना हर जगह शराब। ये भी चुनौती समझ पे आपके लिए कि मैं बिना पी अच्छी बात करूँ, अच्छी बात करूँगा। तो मैं तो जितने मुझे देख रहे हैं इस वक्त मेरे नौजवान, मेरे यूथ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि कभी शराब को हाथ मत लगाइए, आपकी ज़िंदगी के बहुत एम हो सकते हैं, बहुत उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि ये शौक लग जाने के बाद फिर और शौकों की ज़रूरत नहीं, वो सब अपने आप चले आएंगे, वो ये गेट है, प्रवेश द्वार है। अगर आपने ये प्रवेश द्वार खोल दिया तो फिर सारे किसी अवगुणों की जरूरत, बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएंगे। तो नशे पे लिखा कि नहीं आपने? नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया, जो चीज़ बिना अनुभव की लिखी जाएगी तो वो बेकार लिखी जाएगी। लेकिन प्रेम से बड़ा कोई नशा ही नहीं है। हाँ, प्रेम से नशा, आँखों से बड़ा कोई नशा नहीं है। गुलाबी आँखों में जो नशा होता है वो दारू क्या करेगी उसका, एक बार में घायल होकर नीचे गिर पड़े आदमी, उसको तो पियोगे तो तीन पैक तब जाके गिरोगे। आपके मित्र हैं वो भी आंखों पे
डॉक्टर राहत इंदौजी सर, उन्होंने बहुत लिखा है, उन्होंने आंखों पे बहुत लिखा है, उन्होंने तो अनुभव से लिखा, अनुभव से लिखा है, उन्होंने आंखों पे ये लिखा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी कत्थई आंखों में है, जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया उरिया खंजर वंजर सब, उनका तो आपने आंखों पे तो लिखा है, उनका आंखों पे तो लिखा है, लेकिन समय मुझे याद नहीं है, लेकिन आंखों में तो जो भी प्रेम करेगा, जो भी प्रेम की कविताएं लिखेगा, आंखों पे से शुरुआत होगी, उसकी आंखों से ही लिखेगा, फिर दिल तक जाएगा, प्रवेश द्वार आंखें ही है, जैसे कि कुसंगतियों का प्रवेश द्वार शराब है, वैसे ही प्रेम का प्रवेश द्वार आंखें है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है, आप मुझे देखेंगे तभी तो अपील होगी कुछ। मैं विष्णु जी के बारे में बताना चाहूँगा कि अपनी सरकारी नौकरी के दौरान शायद भगवान कृष्ण की तमाम किस्म की सेवाएं करने का अवसर आपको मिला, और बरसाना में भी आपकी पोस्टिंग नहीं, मेरी गोवर्धन की परिक्रमा जो होती है गिरिराज जी की, उसके बॉर्डर पे राजस्थान का बॉर्डर लगता है वहाँ पे, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, और रहता मैं यूपी में था, राजस्थान में पोस्टिंग। तो कृष्ण ने भी प्रेम पर लिखने के लिए प्रेरित किया होगा, कृष्ण का ही बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में, कृष्ण मेरे आइडियल रहे हैं, और मेरी हर गीत में कहीं ना कहीं चुपचाप किसी न किसी पंक्ति में से पंक्ति में आ जाते हैं, तो उनके आने से मेरा गीत एक तो पवित्र हो जाता है, दूसरा प्रेम का जो घटक है वो पूरा हो जाता है, तो उनका बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। फिर हमारे पास ब्रिज के रहने वाले हैं हम लोग, तो हमारे तो हवाओं में फिजाओं में बसे हुए हैं कृष्ण और राधा का प्यार, तो हम उनसे अछूते नहीं रह सकते। कुछ बताइए कैसे कविताओं में कृष्ण आ जाते हैं, जैसे एक दो बड़ी बहुत सारी कविताएं, उनमें एक कविता आपको सुनाता हूं। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम रंगोली बनो भाग बन जाऊं मैं, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं, नींद बन कर अगर आ सको आंख में, नींद बन कर अगर आ सको आंख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो। अब ऐसा लगता है इन पंक्तियों को सुनाते सुनाते जैसे मैं किसी नायिका से बात नहीं कर रहा, मैं बांकी बहरी के दरबार में खड़ा हुआ हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो, हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो, मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते,
खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर मेरी आंखों का जल डाल कर देखते, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। फिर वहीं आ जाइए कि एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा। हे प्रभु पर थोड़ी सी कृपा चाहिए आपकी। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। प्रेम, सुकून और फिर शांति, ये है विष्णु सक्सेना। और कई बार अब मैं आपको बताता हूँ, आप मन से कहते हैं लोगों से कि इधर से ताली नहीं आई, इधर से ताली नहीं आई, आप सुन नहीं रहे, आपका ध्यान नहीं, आप कहते हैं ना ये सारा दोष आपका है। आप सुनाते इतने अच्छा है कि लोग सब भूल जाते हैं। मैं समझे पता नहीं क्या कहने वाले हैं। यकीनन मैंने कई तमाम बार देखा आपको मंचों पे, आप कई बार कहते हैं लोगों से, आपको याद होगा कि ये आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ताली नहीं बजा रहे, सुनिए ध्यान दीजिए। वो ध्यान कहाँ दें, आपकी शब्द आपकी आवाज जब उनके कानों में जाती है तो बड़ा विस्मित हो जाते हैं वो। मेरी माँ ने भी एक बार, विस्मय में आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ तो अभी दिवंगत हो गई, 2 साल हुए, मेरी माँ ने भी एक बार मुझसे कहा था ये बात, ये दोष जो मेरा है। हालांकि उनको बहुत ज्यादा कवि सम्मेलन से कोई रुचि नहीं थी, वो तो बाद में पता पड़ा हूँ कि मेरा बेटा कविता करता है कवि सम्मेलन। आपके तो परिवार में संगीत का माहौल था। हाँ, संगीत का। तो मेरी माँ ने एक दिन टीवी पे मुझे सुन लिया, और वो कोई वैसी रिकॉर्डिंग थी कवि सम्मेलन की। तो मैं, जैसे आपने कहा मैं बार बार तालियों के लिए बोलता था, तो मेरी माँ ने जब कवि सम्मेलन खत्म हो गया तो बोली कि तू बार बार तालियों के लिए क्या बोलता है। मैं, क्यों क्या हुआ? इससे क्या तेरा लिंक टूटता है, इससे क्या जो एक एकाग्रता है वो खत्म होती है। हाँ, ये मत बोला कर, पढ़ता रहा कर, जिसको सुनना होगा सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा नहीं, जो नहीं सुनेगा उसकी बदकिस्मती है। यकीनन हमारे साथ विष्णु सक्सेना साहब थे। जो विष्णु सक्सेना को नहीं सुनेगा ये उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि विष्णु सक्सेना के जो शब्द हैं लोग दिमाग से लिखते हैं, और मुझे लगता है कि विष्णु सक्सेना साहब दिल से लिखते हैं। और आवाज़ की कृपा सरस्वती की कृपा है, और विष्णु जी इसी तरह आप पूरी देश दुनिया को प्रेम का संदेश दे रहे हैं। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आभार मत दीजिए, हमारा घर है ये, और हमें अच्छा लगता है यहाँ आना। हमें बल्कि परमिशन दीजिए, जब हम आया करें तो यहाँ आ जाएगा। आप यहीं आएंगे, आपका घर है, आया जाया करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत दीजिए। नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।